नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक में गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या में राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही इस पदयात्रा में शामिल हुई। भारत जोड़ो यात्रा आज पांडवपुरा से नागमंगला तालुक तक जाएगा। सोनिया गांधी कांग्रेस की पदयात्रा में ऐसे वक्त पर शामिल हुई है जब पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। लंबे समय से सोनिया ने दिखाई सक्रियता। लंबे समय बाद सोनिया किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने पिछले कुछ चुनाव में प्रचार में नहीं किया था। भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत के वक्त सोनिया गांधी विदेश में अपना इलाज करवा रही थी। उस वक्त उनकी मां का निधन भी हो गया था। सोनिया के साथ प्रियंका और राहुल भी इटली गए थे। सोनिया कुछ दिनों पहले ही वह भारत लौटी है। 4 अगस्त को कर्नाटक पहुंची थी सोनिया। सोनिया गांधी 4 सितंबर को कर्नाटक पहुंची थी। उन्होंने दशहरा पर एचडी कोर्ट विधानसभा के बेंगुर गांव में भीमान कोल मंदिर में पूजा अर्चना की। सोनिया गांधी आज मंडिया जिले में पदयात्रा में शामिल हुई। वे कुछ दूर तक अपने बेटे राहुल गांधी के साथ पैदल भी चली। इससे पहले बुधवार को सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी के साथ दशहरा भी मनाया। सोनिया मैसूर जिले के एचडी कोटे तालुक में काबिनीबाद के बैकवाटर के पास एक रिसोर्ट में रुकी थी। यहाँ राहुल गांधी दशहरा के ब्रेक पर उनसे मिलने गए। इसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी काबिनी फॉरेस्ट सफारी भी गए थे। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से 2024 का माहौल बनाया जा रहा है, राहुल गांधी पूरे देश का पदयात्रा कर रहे हैं। इस कड़ी में सोनिया गांधी का तबियत खराब होने के बावजूद जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है, उसके बाद कांग्रेस को नया बल मिलेगा और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ी कड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सोनिया गांधी के आने से कांग्रेस के वोट बैंक में इजाफा होने वाला है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।